भारत का हो गया राफेल। फ्रांस के बोर्डू में दसौ की असेंबली लाइन में फ्रांस ने राजनाथ सिंह को पहला राफेल विमान सौंप दिया। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाले पहले राफेल विमान का कोड RB001 है। इसके बाद 35 और राफेल विमान भारत को सौंपे जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमान उस दिन मिल रहा है जिस दिन भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी मनाया जा रहा है। आज भारत में दशहरे का उत्सव है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, जिसे हम बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाते हैं। आज भारत का 87 वायुसेना दिवस भी है, इसलिए आज का दिन कई तरीकों से प्रतीकात्मक है। भारतीय समय के मुताबिक शाम लगभग 6 बजे पहला राफेल भारत को सौंपा गया। राजनाथ सिंह ने राफेल को करीब से देखा, उसकी ताकत को समझा। ये पहली खेप के 4 राफेल विमानों का पहला विमान है जो भारत पहुंचेगा, लेकिन इन विमानों को भारत पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। पायलटों को थोड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी। मई 2020 में 4 राफेल का ये पहला बैच दिल्ली पहुंचेगा। इसके बाद 2 स्क्वाड्रन तैयार किए जाएंगे, एक चीन पर नजर रखेगा और दूसरा पाकिस्तान पर। भारत फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीद रहा है। ये सभी अप्रैल 2022 तक भारत पहुंच जाएंगे। राफेल के आ जाने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मिटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। मिटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि स्कैल्प मिसाइल जमीन पर स्थित टारगेट को नस्तनाबूद कर देती है। आज राजनाथ सिंह फ्रांस की सेना के विमान से बिलेकुबिल से मेरिनियक के लिए रवाना हुए, जहां राफेल को भारत को सौंपा गया। उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से उन्होंने मुलाकात की थी।